हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है जीपी टेक इंडिया चैनल पर और एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए फेशियल स्टीमर वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी क्वालिटी, प्राइस और इसके फीचर्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम और एक नए प्रोडक्ट के साथ आपके सामने आए हैं। यह है आज का प्रोडक्ट, जीपास ब्रांड का फेशियल स्टीमर है जो स्पेशली लेडीज़ लोगों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स के ऊपर जीपास की ब्रांडिंग दी हुई है कंपनी की, और यहाँ पर लिखा है फेशियल स्टीमर। और इस प्रोडक्ट की आपको वारंटी मिलेगी 2 साल की, 2 ईयर्स की वारंटी मिलेगी। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं वोटेड सुपर ब्रांड। एक्चुअली ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ये ब्रांड चलता है, एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है। इसके बहुत सारे अप्लायंस आते हैं और यहाँ पे लिखा है स्टे वाओ, और इसका मॉडल नंबर लिखा है GFS8701। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते इस तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ अरबिक में मेंशन किया है जो हम नहीं जानते, और यहाँ पे उसका डाउनलोड जीपास का कैटलॉग और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और ये iOS और एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जीपास की वेबसाइट है और यहाँ पे ब्रांडिंग दी है। चलिए अब हम इस तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जो प्रोडक्ट का जो इमेज है ऊपर दिया हुआ है, इस तरीके से प्रोडक्ट दिखता है। ये एक्चुअली फेशियल स्टीमर है और ये एक्चुअली प्राइस इसकी 49 दिराम है, तो करीब करीब आपको 1200 तक पड़ जाएगा इंडियन करेंसी में। तो चलिए इस तरफ देखते हैं। आप इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, और यहाँ पे लिखा है ये 2 सेटिंग लो और हाई पे है, और PTC हीटिंग है और स्टीम कंट्रोल है। लो इंडिकेटर 40 ml कैपेसिटी की इसके अंदर कप आएगी, और 1 पीस फेस मास्क, 1 पीस नोज मास्क और 1 मेजरिंग कप। और ये पावर आउटपुट इनपुट लेता है 220 और 240 वाट का, और 50 और 60 हर्ट्ज पे चलता है और 130 वाट पर। हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें कंटेंट क्या क्या मिलते हैं। तो चलो हम अपनी अनबॉक्सिंग नाइफ लेते हैं और सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसको कट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर एक होम अप्लायंस किचन एक वारंटी कार्ड मिला है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ये वारंटी कार्ड आपको एक्चुअली इसकी जो सर्विस है इंडिया में भी मिलेंगी आपको। आप देख सकते हैं इंडिया में विजयवाड़ा, हैदराबाद, पंजाब, वारंगल, वाइजैक, मदुरई, इंडिया में बहुत सी जगह इसकी ब्रांचेस है, सर्विस सेंटर है, और ओवरऑल इंटरनेशनल भी है। एक वारंटी कार्ड है उसका, और उसके बाद आपको इसमें एक मिलेगा बुकलेट। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले मैं हर वीडियो में आपको बताते रहता हूँ कि आपको मैनुअल इंस्ट्रक्शन को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपको प्रोडक्ट को चलाने या इस्तेमाल करने में आपको आसानी हो और समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कैटलॉग में सारे डिटेल्स दिए हुए कि आपको किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो हम इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अंदर हमें एक फ़िल्टर मिलता है, और एक मेजरिंग कप मिलता है, और एक नोज़ के लिए नोज़ फेशियल के लिए एक मिलता है। आप देख सकते हैं, चलो हम इसको भी साइड में रख देते हैं और अंदर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट फेस के लिए है, और इसके अंदर हमें मिलता है एक मशीन। चलो बॉक्स में कुछ नहीं, हम इसको साइड में रख देते हैं। इस बॉक्स के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ये रहा फिल्टर, एक मेजरिंग कप, और एक फेस स्पेशल टब, और एक नोज़ स्पेशल के लिए टब है फेशियल के लिए, और एक मशीन है। और इसका सेटअप हम बता देते हैं कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक इंडियन सॉकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा एडेप्टर, क्योंकि ये डायरेक्ट इंडियन सॉकेट्स पे काम नहीं करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक नॉब दिया हुआ है, 0 माने हाफ में रहेगा, लो और ये हाई, 3 ऑप्शन दिए हुए इसके अंदर। और यहाँ पर जीपास की ब्रांडिंग दी हुई है, और यहाँ पे एक लाइट इंडिकेट कर देगी आपको। और इसके पीछे हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जीपास की ब्रांडिंग और फेशियल स्टीमर और इसका मॉडल नंबर और वोल्टेज वगैरह दिया है। और आगे इसके पीछे देखेंगे तो बस और कुछ नहीं, सिंपल और डिसेंट है, और लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी है।
मेड बाय कंप्लीटली प्लास्टिक है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। अब देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, और पीछे यहाँ पे ग्रिल दिया है ताकि आपको एयर फिल्टर पास हो सके, क्योंकि ये बहुत एक्सेस हीट हो जाती है मशीन। तो ये रहा एक कॉर्ड, चलो हम इसको अब देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस मशीन को मैंने पावर से कनेक्ट कर दिया है। अब ये देख सकते हैं मेजरिंग कप है, इस मेजरिंग कप पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है 20 और 40 ml की कैपेसिटी, मैक्सिमम इसकी 40 ml है, इससे ज़्यादा पानी आप इसमें पोर ना करें, इसकी टैंक की कैपेसिटी 40 ml। तो चले फ्रेंड्स, अब हम इसको डेमो करते हैं। ये 40 ml मैंने वाटर ले लिया है, चलो हम टैंक पे पोर कर देते हैं इसको। तो इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑफ का, लो एंड हाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर लो एंड हाई। तो आप इसको अगर लो में रखेंगे तो एक मीडियम स्टीम आएगी, मेरे हिसाब से तो लो में काफ़ी है, क्योंकि इसकी स्टीम इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आपके चेहरे को नुकसान भी कर सकती है। तो आप अपने हिसाब से, अपने मुताबिक आपको जितना स्टीम चाहिए उस हिसाब से आप हाई और लो पे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी मैंने लो पे रखा है इसको, अभी डेमो दिखाने के लिए मैं हाई पे रख देता हूँ। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लॉकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, बस आपको इस स्टब को सीधे अंदर डालना है, इस तरीके से इसको थोड़ा घुमा देना है, अब ये लॉक हो गया है फ्रेंड्स। तो ये जो टब है फेशियल टब, आप इस पर अपना कंप्लीट फेस मसाज करने के बाद, जो भी आपकी जो क्रीम्स वगैरह रहते हैं सारे रखने के बाद, लगाने के बाद आप इस पर फेस अपना रख के कंप्लीट आप स्टीम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका फेस ग्लो भी होगा और फेस पे जितने भी आपके स्टेन्स या दाग जो भी होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और स्टीम लेने से फेस भी हेल्थी और ग्लो रहेगा। तो ये जो है कंप्लीट फेस के लिए, तो भी देख सकते हैं फिल्टरिंग है इस तरीके से। ये जो नॉब है ये नोज़ के लिए, स्पेशली नोज़ के लिए डिज़ाइन किया है, बस इसको आप इस तरीके से डालिए और यहाँ पर आप अपनी नोज़ पे आप जो भी स्टेन्स होंगे, आप नोज़ पे स्पेशली आप कुछ क्रीम लगा के आप फेशियल किया होगा, तो इसके लिए आप डायरेक्ट ओनली सिर्फ नोज़ के लिए आप स्टीम दे सकते हैं यहाँ पर। अभी स्टीम आना शुरू हो गया है, बहुत ही हेवी स्टीम आ रहा है, मैंने क्योंकि हाई पे रखा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा इस नॉब को ओपन करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसका वाटर कितनी ज़बरदस्त बॉयल हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे मैंने हाई पे रखा है। तो ये जो स्टीम है अभी ये बॉयल हो रहा है वाटर, यहाँ से आपको ज़बरदस्त स्टीम मिलती है, बस आप कुछ इसको बस लॉक कीजिए और आप अपना स्टीम एंजॉय कीजिए। आप चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से लो पे आप रखें, थोड़ा लो में कीजिए, लो ही काफ़ी आपको इतना स्टीम मिल जाएगा। सिंपल एंड ईजी सेटअप है और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली मेल्स के लिए जो अपना फेस को फेशियल करते हैं तो उसके बाद उन्हें स्टीम की ज़रूरत होती है। और आप चाहे तो उस पर रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं और अच्छा रहेगा, वो आपके ऊपर ऑप्शन है, या वाटर डालो या उसके साथ आप रोज़ वाटर डालो, कुछ भी डालो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा स्पेशली फीमेल्स के लिए जो घर पर इस्तेमाल करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पार्लर जाने की, आप घर बैठे ही अपने फेस पर स्टीम ले सकते हैं और ठंडियों के मौसम में नॉर्मल स्टीम भी ले सकते हैं, अपना फेस ग्लो रख सकते हैं आप। अब जैसे इसको ऑन कर देंगे आप, दिखाई देगा आपको यहाँ पे एक लाइट दिखाई देगी, आप देख सकते हैं नीचे आप लाइट ग्लो हो रही है। और फ्रेंड्स, ये वाटर आपको बॉइल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्टीम आने 10 से 15 सेकेंड काफ़ी है, 10 से 15 सेकेंड में आपको ज़बरदस्त वाटर बॉइल होकर आपको अच्छी सी स्टीम मिल जाएगी। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरी अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ मैं और एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।